और आप प्लांट्स के कितना प्यार करते हैं। जी नमस्कार सबको, राम राम। मेरा नाम पवन मल्होत्रा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ जीजा माता उद्यान बायकला में आने का। और यहाँ पर जो उद्यान है ये 27 साल से, मैं तो खैर पहली बार आया हूँ और मुझे मालूम इसी बार मालूम पड़ा है कि हर बार एक थीम सोचा जाता है उद्यान में और फूलों से और पौधों को के हेल्प से हर बार एक नया थीम होता है। जैसे इस बारी एनिमल्स है, जानवर। और अगर कुछ फोटो देखेंगे या विजिट करेंगे, अगर आएंगे आप देखेंगे कि तरह तरह के जानवर फूलों से बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो जो लोग नहीं आए हैं मैं उनको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आए। और आज जो हम कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं तो जो लोग कॉन्शियस हुए हैं कि हवा पानी जो हमारा ख़राब हो रहा है, तो पौधों का उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप घरों में, हम इस वक्त जो कमरों में अपने एक खास तरह का पाम या स्नेक प्लांट्स और ये सब ढूंढ ढूंढ के लगा रहे हैं इसीलिए कि इससे ऑक्सीजन मिलती है, तो बच्चे आएंगे तो उनको पर्यावरण की जो हम बात समझाएंगे, सुंदर भी लग रहे हैं फूल और पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो भाई ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है। पानी और ऑक्सीजन अगर चला जाएगा ये बेसिक, बाकी चीज़ें तो शायद ये नहीं तो ये खा लेंगे, और वो भी खाना भी उसी से आना है। अगर आपका पानी और वायु प्रदूषण हो गया जो पौधे ही बचाएंगे, और फूल जो है ये सब एनवायरनमेंट के लिए, जैसे बोलते हैं कि मधुमक्खी जिस दिन नहीं रही उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ये सब एक दूसरे को एक चेन है जो प्रकृति ने, भगवान ने हमें बना के दी थी। और हम शायद अपने लालच में या ओवर यूज़ में, और कुछ चीज़ें अभी ऐसी हो गई हैं कि जिसको लालच नहीं कहा जा सकता, वो ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप सबसे विनती है देखने वालों से, आप खुद भी आइए, अपने बच्चों की भी लाइए, और बल्कि मैं ये एक सुझाव देना चाहूँगा कि स्कूल्स अगर अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए बायकला तो एक बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। और जिन्होंने काम किया है, जो लोग इस सबसे लगे हुए हैं बॉम्बे BMC, वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त लग रहा होगा कि सब जगह बॉम्बे खुदा हुआ है, ये भी काम चल रहा है, वो भी काम चल रहा है, तो काम चल रहा है, कुछ बदलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए वो भी करना पड़ता है। तो बम्बई अगर सुंदर और साफ बनाने की कोशिश की जा रही, जो कि पूरा हमारे देश को स्वच्छ भारत का अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, तो उसमें पौधों और फूलों का बहुत बड़ा रोल है। और आज की डेट में तो सिर्फ, अगर आप बहुत सारे नए शहरों में, नए कॉलेज में जाओगे, बिल्डर्स कोई पार्क मजबूरी में बनाते हैं, तो ये तो हमारे पास है। तो फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल से, सभी पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आइए, उसमें इंटरेस्ट होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि बहुत सुंदर है। और खुशबू लीजिए फूलों की, और इनकी जो मेहनत है जितना इतना सुंदर बनाया उसको भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। जरूर है जी जी, अभी बम्बई की में जो जैसा होता है कि हमने अपनी एक बैल्कनी को हर कमरे में एक्सटेंड करके कुछ पौधे लगाए हुए हैं, और कमरों में तो आजकल इसलिए भी रखा जाते हैं, हर एक कमरे में हमारे पूरे घर में जगह जगह पौधे हैं, बल्कि माली आता है सिर्फ गमलों के लिए छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि कोई गार्डन है हमारे पास, है ना। हम एक फ्लैट में रहते हैं जिसके में एक हॉल के साथ बैल्कनी सिर्फ इसलिए एक्सटेंड की गई कि वहाँ पर हम पौधे रख सकें, बकायदा जाली बनाई है, पानी डालें तो वो पाइप से डक में जाता है, इस तरह का इंतजाम किया है। तो बाकी दिल्ली वाले शहरों में तो आंगन होते थे, आगे गार्डन थे तो आप कर सकते थे, पर यहाँ पर वो है कि एक हाथ लंबी और एक हाथ चौड़ी भी अगर खेती है तो उसको जितना रख सकते हो उतना रखो। हमारे घर में हर कमरे में कुछ ऐसे पौधे रखे हुए हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलती है या फूल निकलते हैं, सुंदर लगते हैं। तो उसमें क्या मेरा कंट्रीब्यूशन कम है और बाकी परिवार मेरी पत्नी है और वो माली से डील करना और ये सब है, और लगातार पौधों को रखा जाता है। और बाकियों को भी सजेस्ट करूँगा कि आज की डेट में और कुछ नहीं तो ऐसे पौधे ज़रूर रखिए जो आपको ऑक्सीजन दे, फूल आएंगे तो सुंदर भी लगेंगे, उनकी खुशबू भी आएगी। तो जैसे मैंने आज इनसे बोला कि अगर यहाँ आया हूँ तो वो एक पौधा है जिसको हम ड्रम स्टिक्स वाला पौधा भांगा है, वो जो कि बहुत सुना 3-4 साल में 5 साल में बड़ा हो जाता है, तो वो अब
मेरी बिल्डिंग में अभी भी बाहर एक जगह है, वहाँ लगाने के लिए सोच रहा हूँ, तो यहाँ से लेके जाऊँगा, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ के। तो पौधों का हमारे जीवन में बहुत, भाई जंगल नहीं है, पौधे नहीं है तो ऑक्सीजन चली जाएगी, हम सब जानते हैं। पर अब हमारा अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली है कि उसमें मजबूरी में कटता भी है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आज अगर एक पौधा कटा है तो 5 लगाइए, उसमें से 2 या 3 भी बचेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, वो हमें जो पीछे से धरोहर मिली है, हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ खराब किया, पर वो अब पेस है लाइफ की। तभी मैं जब बड़े शहरों में जब आए बम्बई में, तो मैं हमेशा कहता था हमें तय करना होगा इस शहर की रफ्तार से चलना या अपनी रफ्तार एक बनानी, और तो एक टाइम के बाद आपको अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी अपनी, या जिसकी जितनी जेब है। मैं इस तरह से सोचता था कि भाई दूसरे को देख के नहीं चलना, पर अपना बेसिक संभाल के रखना। अगर आपका खाना, वायु, जल वो ही गड़बड़ हो गया तो फिर क्या जियोगे? अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। और ये लगता है कि और यहाँ सीख भी मिलती है, बच्चों को लाओ पेड़ दिखाओ पुराने। तो मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में पेशेंस पेड़ से सीखो, और परसिवरेंस कि बार बार खड़े हो जाना, वो घास से पार की सीखो। सुबह लोग घूमते हैं वो दब जाती है, फिर दोपहर में खड़े हो जाते हैं, शाम को लोग उस पर चलते हैं, फिर वो रात में खड़े हो जाते हैं। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और ये सिर्फ बातें कहने की नहीं, इसलिए नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझसे ये कहलवाया जाएगा। मुझे तो सिर्फ बोला कि आ जाना, तो अभी अचानक बोला कि आपको कुछ बोलना है। पर ये हम हर रोज़ इस तरह की बात करते हैं, सोचते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं, और जेन्युइनली करते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपके घर में आप वन रूम किचन में भी रहते हैं तो 2 छोटे गमले रखने की जगह है, बना लीजिए, जिसको जितनी जगह। तभी मैं कहता हूँ एक हाथ लंबी एक हाथ चौड़ी खेती है, तो उतनी भी है, आप उतनी उतनी करके ही कंट्रीब्यूट हम सब कर, और ये हम सब की ज़रूरत है, सबसे पहली ज़रूरत है। अगर सांस ही ठीक नहीं ले रहे हैं और पानी ठीक नहीं पी रहे हैं और खाने को ठीक नहीं है, जैसे हम मिलेट्स पे आ गए हैं अभी बहुत टाइम से, मैं बहुत कम होता है कि गेहूँ की कोई चीज़ आते हैं, हम बाजरा, सर्दी है तो बाजरा खा रहे हैं, ज्वारी खाते हैं, इस तरह के मिलेट्स के ऊपर चल रहे हैं ना। चावल भी ऐसे ऐसे वाले ढूंढते हैं जो चावल जैसे हों, गुड़ खाता हूँ, गाय का दूध का घी ढूंढ ढूंढ के गांव से लाता हूँ। तो मैं सिर्फ हवा में ऐसी बात नहीं कर रहा, एक्चुअली इस बारे में सोचता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैंने भी हाँ बोला जैसे ही मैं फ्री हूँ। मैं पहले शूटिंग कर रहा था चंडीगढ़ में, तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसी जगह पर आया, और आप भी देख रहे हैं, आपने जो कवर किया बहुत सुंदर लगा है ना, और छोटे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी है, यू नो, और लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। अपने घरों में जैसे पार्क में और कुछ नहीं तो क्रीपर्स, जाली लगा के उनको शेर, घोड़ा, इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो वो बच्चे इंस्पायर भी हो सकते हैं, और यहाँ आके अच्छा भी है, एक शुद्ध हवा, एक आउटिंग, बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट। तो एक बार फिर से विनती करूँगा कि सभी स्कूल, सभी पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए, खुद भी आए, हर उम्र का इंसान आए, बुजुर्गों को भी लेकर आए, बहुत सुंदर है, और एनवायरनमेंट का एक आपको एक ज्ञान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। जितेंद्र सर, जब कलाकार आके इस तरह का प्रोत्साहन देते हैं आपके कार्य को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपने जो गार्डन बनाया है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और कलाकार जब तारीफ करते हैं इस बात की तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं पहले तो BMC की ओर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या होता है, इन लोगों का एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है। हम लोग किसी 2 लोगों को बोले पेड़ लगाओ और ये लोग बोले पेड़ लगाओ, तो 1 लाख पेड़ लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको मानते, एक आइडल मानते, इन्होंने बोला वो चीज़ का एक मैसेज अच्छी तरह जाता है। इसलिए मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वहाँ पर बोलिए पेड़ लगाइए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताकि हम सब लोग मिल के मुंबई महानगर पालिका को ग्रीन मुंबई बनाने में सहयोग करें, यही आशा करता हूँ। थैंक यू। और इन सब के लिए एक बार हम सब मिलकर ताली बजाएं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक, जितेंद्र जी के साथ में भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया है, आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द लेवल ऑफ डिटेलिंग, एंड आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, आप भी लगाते हैं पेड़ पौधे वगैरह लगाए हैं आपने, बताएंगे उसके बारे में? मैं काम करती हूँ स्कल्पचर और आर्ट में, और अभी अभी मैं बड़े बड़े वाले
विथ प्लांट्स आर्ट पीसेज बनाना चाहते हूँ बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स मोर प्लांट्स. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एम्फेसिस ऑन गोइंग नेचुरल. तो मैं इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ आर्ट पीसेज प्लांट्स के साथ और इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आके देखने के लिए इतने सारे जो पेड़ के वैराइटीज़ हैं और जो इवन एनिमल के वैराइटीज़ हैं क्योंकि बाइकुला ज़ू भी इधर ही पास में है. तो इट्स बिन अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. मुंबईकर्स का मैसेज यही है कि आप प्लीज प्लांट्स अंदर घर के अंदर प्लीज ले आ करो और जितना भी आप पाल सकते हो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके लाइफस्टाइल में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना सारा स्पेस नहीं है. देर इज नॉट सो मच स्पेस टू गो आउट एंड एंजॉय इट. यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद योर लाइफस्टाइल. सर हॉर्टिकल्चर का इस बार जो कॉन्सेप्ट रखा लोगों को पढ़ाने के बारे में तो उसमें क्या नया इस पर क्या क्या बताया जाएगा हॉर्टिकल्चर के बारे में. जैसा मैंने पहले बताया कि मुंबई में हम करीबन 27 सालों से ये प्रोग्राम ले रहे हैं तो इसमें 3 पार्ट में होता है. एक तो जगह पे हम लोग लैंडस्केप डिज़ाइन करते हैं जो यहाँ पे हमने बोला कि वाइल्ड एनिमल का हम लोगों ने डिस्प्ले किया है. दूसरा जो होता है ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट होता है जिसमें बोनसा है, किचन गार्डन है, ऐसे अलग अलग ग्रीनरी को अवेयरनेस के लिए. तो अगले सैटरडे संडे 10 सब्जेक्ट पर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और तीसरा हम पूरे मुंबई का सर्वे करके जो सोसाइटी ने अच्छा पेड़ लगाया है, जिनका गार्डन अच्छा है, उनको हम अवार्ड देते हैं ताकि मुंबई करों में इसके बारे में अवेयरनेस निर्माण हो, मुंबई कर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए. और मैडम ने जैसा बताया इनके साथ हमने बांद्रा में एक मून का एक आर्ट लगाया है जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के प्रति अवेयरनेस का काम करते हैं. और मुंबई करों को मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और बीएमसी को मुंबई ग्रीन करने में हेल्प कीजिए. सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर मुंबई का जो प्रदेश कहते हैं कि दरिया के किनारे है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बाहर जो पेड़ लगा सकते हैं वो कौन सी प्रजाति के पेड़ हैं या कौन से पेड़ हैं जो लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा. उसमें इंडिजिनस जिसे बोलते हैं जो कोकण फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं जो कोकण में आते हैं ऐसे सभी पेड़ हम लगा सकते हैं और वही लगाते हैं. अभी 5 साल पहले मुंबई की जो ट्री अथॉरिटी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जो कोकण में आते हैं जो नेटिव है वही ट्री है हम लोग लगाते हैं. नीम हो सकता है. ज़्यादा करके नहीं लगाते क्योंकि वो ड्राई रीजन में आता है लेकिन फिर भी नीम लगाते हैं. वो इंडिजिनस ही है लेकिन वो ड्राई एरिया इसमें आता है. मुंबई में उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा नहीं होता है. नहीं सेमिनार के लिए चार्जेस है 3 दिन के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस है. बाकी फ्लावर शो फ्री है. जो बाहर के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया वो भी फ्री है. थैंक यू. पूरे इंडिया से लोग आते हैं अलग अलग. इसका एक साल भर हम लोग एडवर्टाइज करते हैं. करीबन 250 लोग आते हैं और मतलब 250 का कैपेसिटी है हमारा. तो उनको हम लोग एक्सपर्ट के जरिए पूरे इंडिया से एक्सपर्ट बुलाते हैं जिसमें वर्टिकल गार्डन होगा, टेरेस गार्डन होगा, किचन गार्डन होगा, जो मुंबई की ज़रूरत है उस तरीके से हम लोगों को अवेयर करने के लिए पढ़ाने का कोशिश करते हैं. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे बीएमसी का हर साल एक नया नया प्लान होता है इस बार के बारे में क्या कहना चाहेंगे. मुंबई महानगर पालिका के गार्डन डिपार्टमेंट की ओर से हर साल फरवरी महीने में पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में एक फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. ये 27th ईयर है और 2015 से हम लोग अलग अलग थीम पे किया करते हैं जैसे बेटी बचाओ होगा, एनिमल किंगडम. इस साल का जो है एनिमल किंगडम ये थीम हम लोगों ने रखा है. जैसे कि आपने देखा होगा कि उसमें फ्लावर से बना शेर, टाइगर, एलिफेंट या सभी वाइल्ड एनिमल बनाए गए. मैं आपके जरिए मुंबई करों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आए और देखें. ये फ्राइडे सैटरडे संडे सवेरे 8 से रात को 8 बजे तक खुला है और ये फ्री में है. तभी मैं मुंबई करों से फिर निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और नेचर को निसर्गों को बचाने के लिए मुंबई महापालिका को हेल्प करें. सर जैसा भी आजकल जैकी श्रॉफ जी स्नेक प्लांट लेके हर फंक्शन में जाते हैं उन्होंने बहुत बड़ा मुहिम बीएमसी की तरफ से शायद कर रहे हैं कि जाके हर आदमी को गिफ्ट करते हैं जिसके पार्टी में जाएंगे उनके गिफ्ट करेंगे. तो ऐसे ही स्नेक प्लांट और कौन सा प्लांट इम्पोर्टेंट है पब्लिक को आम जनता को बताने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप. नहीं सभी प्लांट इम्पोर्टेंट है. ऐसा कोई प्लांट नहीं जो ह्यूमन बींग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन मुंबई में जगह का प्रॉब्लम देखते हुए जिसके पास जो कुछ भी है बालकनी होगा, टेरेस होगा, जो भी जगह है उस जगह में जो आ सकता है वो उसी तरीके का प्लांट लगाना चाहिए. इसलिए मुंबई महानगर पालिका ने और एक मुहिम शुरू किया है जिसमें
ग्रीनिंग ऑफ मुंबई बोल के हम लोग बुकलेट निकाल रहे हैं जो मार्च में रिलीज होगा, जिसमें आपके पास जिस तरीके का जगह उस तरीके के मतलब छोटा जगह है, बड़ा जगह है, मीडियम है, तो क्या लगाना चाहिए उसके लिए माली का अवेलेबल होगा, सीड का अवेलेबल होगी, पेड़ का अवेलेबल होगा, ये सब इम्पोर्टेंस मालूम दिया जाएगा। तभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा, यही उसका थीम है। सर अभी धरती को बचाने के लिए बहुत जगह पानी के लिए भी रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं जो हार्वेस्ट करके वाटर हार्वेस्टिंग, तो प्लांट लगाने के लिए आम जनता क्या तैयारी करे, अपने घर में क्या कर लगा सकती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जा सके? मैं जैसा आपको बोला कि हर पेड़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी में अगर लोग अपने वेजिटेबल ग्रो करें तो उनको प्लांट भी मिल जाएगा और घर पे बना हुआ फ्रेश वेजिटेबल भी मिलेगा। और अभी काफ़ी लोग इसको मतलब लगा रहे, जैसा कि कल रंजीत जी आए थे उनके टेरेस में, वो खुद का ही सब्जी खुद खाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं अभी जिनके पास जगह अवेलेबल है, जिस तरीके का अवेलेबल है उतना पेड़ लगाना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में, ये बहुत साल से ये हो रहा है यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन? आप सबको सबसे पहले नमस्ते। और पेड़ जो है ऑक्सीजन तो देते ही हैं, छांव भी देते हैं। अगर ने मुंबई की बात करूं तो नॉर्मल लाइफ में देखा होगा लोग पार्किंग की जगह जब ढूंढते हैं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां छांव पेड़ के नीचे हो ताकि गाड़ी गर्म ना हो। तो अगर जब पेड़ नहीं बचेंगे तो गाड़ी कहां लगाएंगे? अब रास्ते पे तो लगाएंगे तो एकदम गर्म हो जाएगी। तो जब पेड़ का महत्व जब उनको भी पता है तो पेड़ लगाने की हर जगह कोशिश कीजिए। मैं एक काम करती हूँ, हर बार जब भी मेरा जन्मदिन होता है तब मैं एक पेड़ लगाती हूँ। मतलब उसको थोड़ा सा बड़ा होने तक उसको फेंसिंग वेंसिंग डिफेंस करके रखना थोड़ा वो ट्राई करती हूँ। तो मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने पेड़ हो सके, और मेरे घर पर भी, मैं घर पर भी गार्डन में मतलब किचन में जो बालकनी है वहाँ पर मैंने होम गार्डन लगाया हुआ है। वहाँ पर मैं धनिया उगाती हूँ, मिंट उगाती हूँ, थोड़ी छोटी छोटी मूँगफलियाँ आती हैं, कभी गाजर आ जाती है, और इस बार थोड़ा सा एक छोटा शिमला है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर जो भी उगा सकते हैं वो उगा लूँ। और मुझे पेड़ पौधे फूल बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कहाँ से ऐसी कोई जगह मिले जहाँ से मैं चीज़ें कुछ ले सकूँ और उगा सकूँ घर पे ही। तो अब तो मुझे एक रिसोर्स भी मिल चुका है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू, मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ से जो उठा के लेके जा सकूँ मैं उठा के लेके जाऊँ। और खाद भी बना सकते हैं आराम से ही घर पे ही, जो आप जो सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसमें जो बच जाता है उसको खाद में मिट्टी में ला के उसका खाद बनाया जाता है। दैट्स व्हाट मैं जो करती हूँ वो इसी तरह करती हूँ। अच्छा सा खाद बन जाता है तो आपके जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं सबको, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आराम से वो खाद डल जाता है और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि आपके पास जो अगर बालकनी अगर खिड़की भी है तो खिड़की पे भी क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आई होप एवरी मुंबईकर मेक्स थोड़ा एफर्ट करके एक छोटा सा प्लांट अपने घर में ज़रूर रखें, बिकॉज ग्रीनरी जहाँ होती है वहाँ पर एक खुशी आती है, वो ग्रीनरी को देख के खुशी है। बारिश के मौसम में जैसे हमें हर जगह जब ग्रीनरी दिखती है तो खुशी का माहौल लगता है। और मुझे एक बहुत सुंदर एक फ्लावर भी गिफ्ट मिला है, तो आई एम डेफिनेटली कीपिंग दिस और आई होप कि बहुत बड़ा हो जाए, उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।